क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। माँ कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, तुम बढ़िया हो ना बेटा? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। भोपाल बहुत ही खूबसूरत शहर है और मासी का घर भी बहुत प्यारा है। मुझे मेरा खुद का कमरा दिया है। मैंने कहा था ना तुझे, वहाँ अपने घर जैसे ही लगेगा। बस तू अपना खुश रहे, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। हाँ माँ। अच्छा माँ अब मैं रखती हूँ। अरे धर्मेश जी, इतना सब लाने की क्या जरूरत थी? जब मौका बड़ा हो ना तो ये सारी चीजें मायने नहीं रखती रितु जी। मानवी, आओ हमारे पास बैठो। क्या नाम है तुम्हारा? जी मानवी। कितनी पढ़ी हो? ग्रेजुएशन। गाँव से? तो रितु जी हम इजाजत चाहते हैं। रितु जी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जी जी। बाकी मैं बता दूंगा। ठीक। ये तुम्हारे भौसा के जानने वाले थे? अरे बड़ी इज्जत है इनके शहर में, बहुत बड़े आदमी है। आपको थोड़े अजीब नहीं लगे? हाँ हाँ, शुरू शुरू में मुझे भी ऐसे ही लगता था, लेकिन वो ऐसे नहीं है। उनके दिल में ना बहुत सारा प्यार भरा है, बहुत इज्जत करते हैं। हाँ इसीलिए तो इतने सारे गिफ्ट लेके आए हमारे लिए। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ शादी है ना, इसी का इनविटेशन देने तो यहाँ आए थे। हम सबको चलना है शादी में। पता है उन्होंने तुम्हारे लिए नौकरी की बात भी की है। अब तुम्हारे मौसा तुम्हें लेके जाने वाला ही वहाँ। अब देखो भोपाल में तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ने का वक्त आ गया है तुम्हारा। नहीं इंटरव्यू तो हो गया, अच्छा ही लग रहा है। बस जल्दी से नौकरी मिल जाए तो तुम्हें और मम्मी को यहाँ बुला ले। अरे तुम परेशान मत हो ना, मुझे पता है कि तुमने इंटरव्यू पास कर लिया और मुझे ये भी पता है कि मैं भोपाल तुम्हारी वजह से आऊंगा। चलो अच्छा मैं बाद में कॉल करती हूँ। सर जी आ गए। कौन था? किससे बातें कर रही थी? मौसा जी सूरज। मानवी अब तुम अपने करियर पे ध्यान दो, जो पीछे छूट गया है उसको भूल जाओ, आगे की सोचो मानवी। जी मौसा जी। हमें अकाउंट्स के लिए असिस्टेंट की जरूरत थी और मानवी उसके लिए परफेक्ट है, अब कल से ज्वाइन कर सकते हैं। अरे कल से क्यों? मानवी आज से ज्वाइन करेगी। क्यों मानवी? ठीक है मौसा जी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मन लगाकर काम करना।